ट्रांसफॉर्मेशन के पार्ट 5 में हम लोग फाइनली पहुंच चुके हैं। कुछ खास चीज़ों की ऑब्जर्वेशन है वो डिस्कस करनी है। एट द सेम टाइम ट्रांसलेशन को हमने इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दी, इसलिए कि ट्रांसलेशन जो है वो थोड़ा सा बेसिक है, लेकिन फिर भी कुछ लोगों ने कहा कि सर वो भी थोड़ा सा समझा दें, तो वो भी बेसिक उसका यहाँ पर हम लोग डिस्कस कर लेंगे। पहले हम लोग इस चीज़ से स्टार्ट करते हैं कि तीन मैट्रिसेस आपको नजर आ रहे हैं। कौन कौन से? पहला मैट्रिक्स है रिफ्लेक्शन इन द लाइन वाई इज इक्वल्स टू एक्स, और इसका नाम मैंने के रखा है। और यहां पर इस वाले मैट्रिक्स में क्या है, 0 1 1 0। ये क्या करता है, ये ए बी को ट्रांसफॉर्म करता है इनटू बी ए। और इसका रूल क्या है, इसका रूल ये है कि कोऑर्डिनेट्स फ्लिप, दे डू नॉट चेंज साइन। दूसरी चीज जो हमें नजर आ रही है, दैट इज रिफ्लेक्शन इन द लाइन वाई इज इक्वल्स टू माइनस एक्स। तो यहां पे होगा ए बी बिकम्स माइनस बी माइनस ए, नॉट ओनली कोऑर्डिनेट्स फ्लिप, दे ऑल्सो चेंज साइन। और तीसरा वाला जो है, दैट इज के 180 डिग्री रोटेशन अबाउट द ओरिजिन। और ये वाला क्या करता है, ये ए बी को ए बी रहने देता है ऑलमोस्ट, मगर दोनों के साइन चेंज कर देता है। गौर से देख ले, मैट्रिक्स याद करना अपनी जगह जरूरी है, उससे ज्यादा जरूरी है कॉन्सेप्ट याद करना। रिफ्लेक्शन इन द लाइन वाई इज इक्वल्स टू एक्स, ओनली कोऑर्डिनेट्स फ्लिप। और इस वाले के अंदर ए बी बिकम्स माइनस बी माइनस ए, कोऑर्डिनेट्स फ्लिप, यस दे डू चेंज साइंस, यस इट डज। और तीसरा वाला जो है, ओनली साइन चेंज, यानी कोऑर्डिनेट डू नॉट फ्लिप। अब ये इसलिए जरूरी है कि फॉर एग्जांपल मेरे पास एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल के वर्टिसेस है पी, दिस इज 1 1, और क्यू दिस इज 3 1, एंड आर दिस इज 3 5। एक मिसाल ले लेते हैं। अब यहां पर मुख्तलिफ सिनेरियोस हो सकते हैं। एक सिनेरियो ये होगा कि वो आपको कहेगा कि आप इसको रिफ्लेक्ट इन द लाइन वाई इज इक्वल्स टू एक्स की रिफ्लेक्शन करें। दूसरा सिनेरियो ये हो सकता है वाई इज इक्वल्स टू माइनस एक्स की रिफ्लेक्शन करें। तीसरा सिनेरियो ये हो सकता है कि रोटेशन करे 180 डिग्रीज अबाउट ओरिजिन। ऑफ कोर्स दिस इज बेसिक कॉमन सेंस, कोई बड़ी बात नहीं। जब वाई इज इक्वल्स टू एक्स में करेंगे, अब आपको मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट आंसर लिखेंगे। तो पहले वाले में आप लिखेंगे वाई इज इक्वल्स टू एक्स, ओनली कोऑर्डिनेट्स फ्लिप। तो ये जो हो जाएगा पी प्राइम, दैट वुड बी 1 1, यानी ये y इक्वल्स टू x पे लाई करता है, मिरर इमेज मिरर लाइन पे लाई करता है, सो इट विल बी अनचेंज्ड। जो q प्राइम है वो हो जाएगा 1 3, जो r प्राइम है वो हो जाएगा 5 3। बात समझ में आ गई? अब इसका उलट भी सोचें कि अगर डायग्राम बना हुआ है, ओरिजिनल डायग्राम पी क्यू आर, फाइनल डायग्राम या उसका इमेज, ऑब्जेक्ट और इमेज की टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल करते हैं ना हम लोग, तो ऑब्जेक्ट है पी क्यू आर, इमेज है पी प्राइम क्यू प्राइम आर प्राइम। आपको डिटरमिन करना है कि क्या हुआ है, तो आप अपनी ऑब्जर्वेशन से डिटरमिन करेंगे 3 1 becomes 1 3। एक ही पॉइंट से पता चल जाएगा कि चूंकि कोऑर्डिनेट्स फ्लिप हुए, देयरफॉर दिस इज रिफ्लेक्शन इन द लाइन वाई इज इक्वल्स टू एक्स। क्लियर हो गया? अब आ जाए दूसरे पर, वाई इज इक्वल्स टू माइनस एक्स पे अगर मैं इसको रिफ्लेक्ट करूं, तो ये पी डबल प्राइम का कोऑर्डिनेट लिखूंगा, और यहां क्यू डबल प्राइम का, और यहां r डबल प्राइम। इसमें क्या होगा, y इज इक्वल्स टू माइनस एक्स में नॉट ओनली कोऑर्डिनेट्स फ्लिप, दे ऑल्सो चेंज साइन। सो p प्राइम में हो जाएगा -1 -1, यहां पे हो जाएगा -1 -3, यहां पे हो जाएगा -5 -3। ये भी ऑब्वियस सी बात है। तीसरे वाले पे आ जाएं, 180 डिग्री रोटेशन अबाउट द ओरिजिन, p ट्रिपल प्राइम q ट्रिपल प्राइम एंड r ट्रिपल प्राइम। इसके अंदर क्या होगा, इसमें सिर्फ साइन चेंज होगा, -1 -1 -3 -1 -3 -1। ये एक खास बात बतानी थी जो अक्सर इश्यूज आते हैं, सो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। एक और चीज ये है
कि जब हम लोग मैट्रिक्स लिखते हैं एनलार्जमेंट का, दैट इज के ज़ीरो ज़ीरो के, और इसका सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट जो है दैट इज द ओरिजिन, ठीक है, के कुड बी पॉजिटिव के कुड बी नेगेटिव, वो हम लोग एनलार्जमेंट में देख चुके हैं कि क्या होता था, पॉजिटिव होता है तो क्या होता है, नेगेटिव होता है तो क्या होता है, सिमिलैरिटी है नहीं है, दैट्स अनदर इशू, मैं इसको किसी और चीज से लिंक कर रहा हूं। अगर मैं एक मैट्रिक्स लिख रहा हूं माइनस वन जीरो जीरो माइनस वन, जो कि अभी अभी इस्तेमाल हुआ है, इसका सेंटर ऑफ रोटेशन भी जीरो जीरो है, एंड दिस इज फॉर द एंगल 180 डिग्री, क्लॉकवाइज कहे या एंटी क्लॉकवाइज कहे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब यहां पर अगर मैं ऑब्जर्व करूं, व्हाट डू आई ऑब्जर्व, ये दोनों एक ही जैसे हैं, के की वैल्यू माइनस वन, के की वैल्यू माइनस वन, इसका मतलब ये है कि एक स्पेशल केस है, दैट स्पेशल केस इज के रोटेशन 180 डिग्रीज अबाउट ओरिजिन इज एग्जैक्टली द सेम थिंग एज एनलार्जमेंट विथ स्केल फैक्टर माइनस वन, and definitely center of enlargement is also the origin. खास बात क्या है, खास बात यह है 180 डिग्री का रोटेशन is enlargement with a scale factor of minus 1. यह भी एक खास चीज थी जो अक्सर लोग पूछते हैं, उसको भी मैंने डिस्कस कर दिया। अब आ जाए आखिरी चीज पे, that is translation. और यहां पे हम लोग लफ्ज इस्तेमाल करते हैं translation vector. Basically simple common sense का वर्किंग है, दिस डज नॉट इन्वॉल्व मल्टीप्लीकेशन, इट अ सिंपल एडिशन, ऑब्जेक्ट प्लस ट्रांसलेशन वेक्टर विल गिव मी द इमेज, सही है, बहुत सारी चीजें आपको ऑब्जर्वेशन से ही नजर आ जाती है। फॉर एग्जाम्पल एक कोऑर्डिनेट है ए 3 4, और ट्रांसलेशन वेक्टर जो है वो है 2n-1। अच्छा, ट्रांसलेशन वेक्टर के बारे में भी हम बात कर लें कि अगर x पॉजिटिव होगा यू विल गो राइट, x नेगेटिव होगा यू विल गो लेफ्ट, y पॉजिटिव होगा यू विल गो अप, y नेगेटिव होगा यू विल गो डाउन। अब यहां पे अगर मुझे इसका इमेज निकालना है तो मैं कहूंगा 3 4 प्लस 2 माइनस 1, दैट इज 5 एंड 3। इसका मतलब है हुआ क्या है, हुआ ये है कि ये वर्टेक्स सीधे हाथ पे 2 यूनिट गया तो ये आगे बढ़ गया, और ये नीचे 1 यूनिट गया तो ये चीज ये हो गई, और इसी तरीके से इमेज माइनस ऑब्जेक्ट दैट विल ऑल्सो गिव यू द ट्रांसलेशन वेक्टर। अच्छा, लास्ट थिंग बट नॉट द लीस्ट, दैट इज के किस किस में एरिया चेंज होता है और किस में नहीं होता, रिफ्लेक्शन, रोटेशन और ट्रांसलेशन, स्लाइडिंग भी कहते हैं, इसमें एरिया डज नॉट चेंज, only one in which area changes is enlargement, ठीक है, area changes, hint similar triangles का concept है। For example अगर मैंने एक triangle बनाया है यूं करके, it's not a scale diagram, मैं rough बना रहा हूं, और एक और diagram मैंने इसके मुकाबले में जरा बड़ा सा बना दिया, और इसका नाम है ए बी सी, इसका नाम है पी क्यू आर, इसका जो बेस था वो था आपका 3 यूनिट्स, इसकी हाइट थी 4 यूनिट, ये एनलार्ज हुआ, स्केल फैक्टर 2 है, डबल कर दिया, हर चीज डबल हो जाएगी, 3 would become 6, 4 would become 8, ये अगर 5 था तो ये हो जाएगा 10, इट्स अ राइट एंगल ट्रायंगल। इसका जो एरिया है ऑफ ए बी सी that is half into 3 into 4, that is 6 square units. Iska jo area hai of PQR triangle, that is half into 6 into 8, 48 divided by 2 is 24 square unit. Ye 6 hai, ye 24 ban gaya. Kya factor hai? 4. 4 is basically 2 square. इसका मतलब है चूंकि सिमिलैरिटी है, बेस भी बढ़ गया, हाइट भी बढ़ गया, नेचुरली हाइपोटेनस भी बढ़ गई, ट्राइंगल अगर राइट एंगल नहीं होगा जो भी थर्ड साइड है वो भी उसी ऑर्डर में बढ़ जाएगा, सो देयरफॉर एरिया ऑफ इमेज
is k square times area of object. So that is the rule in enlargement, and that basically finishes everything that is needed, that is most required by students for this particular topic of transformation. Take care.